कृष्णा दोस्तों दोस्तों आज का प्रश्न है कि शादियों में हल्दी का उपयोग क्यों होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर यह है कि विवाह जैसे कोई कर्म है, इसको शुरुआत करने के लिए हल्दी की उपयोगिता मानी गई है। बिना हल्दी लगाए लड़का लड़की को विवाह कर्म शुरुआत ही नहीं होता है। दूसरा, हल्दी की जो गांठ होती है, हल्दी की गांठ जो है किसी भी पूजा विधि को संपन्न करने में इसकी बहुत बोलते ना कि मुख्य भूमिका होती है। आप कोई भी एक बहुत ही अच्छे से रीति रिवाज से अगर कोई पूजा विधि की जाती होगी तो वहाँ पे वो हल्दी की गांठ मिलेगी, खड़ी हल्दी की गांठ। और इसका एक वैज्ञानिक तर्क भी है कि हल्दी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, और ये एंटीबैक्टीरियल होने के वजह से ये बहुत ही घातक से घातक बीमारियों का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जैसे कि कैंसर, कैंसर में ये प्रूफ किया गया है कि अगर आप हल्दी का अच्छे से उपयोग करें, जैसे कि हमारे आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं वैसा अगर आप यूज़ करते हैं तो कैंसर में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है। प्लस ये आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको भी निकालता है। अगर आप शरीर के ऊपर से भी लगाते हैं, लड़कों और लड़कियों को शादियों में लगाया जाता है, तो अंदर की जो भी पोर्स में जो भी गंदगियां होती हैं वो उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके अंदर एक्टिव एंटीबैक्टीरियल होता है। और शरीर जो है, आपका चेहरा, आपका शरीर जो है काफ़ी गोरा दिखता है। और हमारे सनातन संस्कृति में आप पाएंगे कि हल्दी का उपयोग बहुत ज़्यादा है, चाहे हमारे भोजन में, हमें सर्दी हो गया तो भी हमारी माताएं हमको हल्दी का दूध पिलाती हैं, या तो हर जगह पे हमें हल्दी का उपयोग देखने मिलता है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो ये कुछ कारण दोस्तों जिससे वजह से विवाह में हल्दी का उपयोग होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।